दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की इस वीडियो में। और आज हमारे साथ में हमारे ट्रेनी, आपका नाम एमडी हजार आजाद। आजाद क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? 12th पास, 12th पास। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो आजाद? बिहार से, सिविल और अभी आप कौन सा कोर्स करने के लिए हमारे को ज्वाइन किए हो? इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा? टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन और लैंड सर्वे। जो कोर्स का नाम है दोस्तों वो है असिस्टेंट सर्वेयर का कोर्स, जो कि हम लोग रेकमेंड करते हैं हमारे 5वीं से लेके 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। और ये ट्रेनिंग जो है हम NSDC स्किल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि ट्रेनिंग के बाद आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आयत कितनी क्लास हुई है अब तक आपकी? एक ही क्लास हुई है, कल ही जी आपने ज्वाइन किया है। जी और आयत एक चीज बताओ, ये कोर्स करने के लिए आपको किसने रेकमेंड किया है, किसने कहा है? मेरे पापा ने, पापा ने कहा है। क्यों कहा है? रीजन, क्योंकि इसमें आगे चल के अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अच्छी है। और इनके फादर जो है, मैं बता दूं आपको, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है एज ए सर्वेयर हेल्पर काम कर चुके हैं, मिडल ईस्ट के अंदर या अफ्रीका, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो है वहां पर काम कर चुके हैं, इसीलिए उनको आइडिया हुआ इस फील्ड का। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को जो है इसी फील्ड में आगे बढ़ाऊं। जब हमने उनको पूछा कि आप क्यों नहीं खुद करते हैं, जबकि उनकी ज्यादा एज नहीं है फिर भी, बट वो बिल्कुल जो उनके एजुकेशन ग्राउंड जो है वो बिल्कुल जीरो था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अपने लड़के को मैं इस फील्ड में ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने देखा है इस फील्ड में वैकेंसी अच्छी निकलती है, इज्जत वाली जॉब होती है और काम भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आजाद, पहली क्लास कल जो आपकी हुई थी उसमें आपने क्या सीखा? कल हमने क्या सर्वे के बारे में जाना था कि सर्वे क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, सर्वे को जो है किस तरह से हम लोग बाइफरकेट करते हैं, कौन कौन सी फील्ड सर्वे किस बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी हमने सीखा था, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये जो हमारे पीछे इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? लेवल है, कौन सा ऑटो लेवल? लेवल, ऑटो लेवल। और ये ये टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ कि कल हमने एक चीज किया था, हमने कल यूनिट कन्वर्जन सीखा था, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में आपने जो है क्या सीखा था कि 1 मीटर में हमारे कितने एमएम होते हैं? अगर मैं आपको कुछ यहाँ पे सवाल पूछता हूं कि देखिए दोस्तों, ये नॉन टेक्निकल है, इन्होंने आज तक कभी सर्वे के बारे में कुछ जाना था? आज से पहले कभी पढ़ा था नहीं यूनिट कन्वर्जन के बारे में? पढ़ा था? नहीं नहीं पढ़ा था। ये कौन सा टेप है? स्टील इंची टेप है। और कौन सा वाले, इंची टेप है? ये स्टील इंची टेप है, ठीक है। कितने मीटर का है ये? 5 मीटर का। 5 मीटर का इंची टेप है, ठीक है। अब आजाद मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कल, हमने यूनिट कन्वर्जन किया था सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पूछता हूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? कितने एमएम होते हैं 1 सेंटीमीटर में? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता 10 mm होते हैं, 10 mm। है। अब मुझे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और कितने एमएम होते हैं, जरा ये करके बताओ। लो 1 मीटर में, यहां पे पहले सेंटीमीटर में बताओ कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, क्या करेंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 1 होते मीटर 10 हैं? सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर, नहीं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। हाँ, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब कितने एमएम होंगे? 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 100 को क्या करेंगे अब एमएम में कन्वर्ट करने के लिए? किससे करें एमएम में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जी, करो जरा, तो मतलब 100 गुणा गुणा कितने से? हाँ, 10 से तो 10 कितना हो गया? हजार हाँ, तो लिखो 1000 mm, इक्वल टू करके 1000 mm कर दो, 1000 mm, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1000 mm हो गया। तो मतलब एक एमएम मीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? सेंटीमीटर में, एमएम में, सेंटीमीटर में और फिर एमएम में। अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, कितने एमएम होते हैं 1 सेंटीमीटर एक में? सेंटीमीटर 10 mm, सॉरी, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, ठीक है। इसको मैं 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 इंच, 1 इंच जो होता है, 1 इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं या कितने एमएम होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में? इंच में सेंटीमीटर होता है 2.4, टू फाइव पॉइंट फोर फाइव फोर टू लिखो, 2.54, 2.54। हाँ,
कोई बात नहीं, 2.54 क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखो, सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं हम? हाँ गुड, ठीक है। और कितने एमएम हो गया? अब एमएम में कन्वर्ट करो 2.54 सेंटीमीटर को, क्या करना होगा? इसे गुना करना होगा हाँ 100 से। 100 से, क्यों? 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते, तो क्या करोगे? 2.5 में कितने एमएम होंगे? तो करंट फाइव में होगा 20 25। हाँ 0.4, क्या यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर एमएम। एमएम, ठीक है, ये हो गया। अब 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1.09 हाँ लिखो, 1.09। नाइन क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं गज को? यार बताया था, यार्ड। देखिए दोस्तों, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सेकंड डे है इनका, और केवल 12th पास स्टूडेंट है, ना आईटीआई, ना डिप्लोमा, ना बीटेक। आज से पहले कभी इंची टेप को पढ़ा नहीं था। यूनिट कन्वर्जन के बारे में 1 दिन पहले ही इनको पता चला, और इन्होंने जो है आपके सामने जो डिप्लोमा बीटेक लेवल के इंजीनियर होते हैं वो भी ये चीजें करने में घबराते हैं, उनको भी कई बार इस चीज को करने में दिक्कतें आती हैं। तो वी अप्रिशिएट कि पहले दिन जो है इन्होंने इतना कुछ सीख लिया। अब आजाद, ये इंची टेप है ना, 5 मीटर का है। अब मुझे एक चीज बताओ कि इसमें 1 सेंटीमीटर कहाँ होता है? यहाँ दिखाओ, 1 सेंटीमीटर का कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये हाँ हो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? ये हाँ 10 एमएम, मतलब एक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। 10 10 सेंटीमीटर कहाँ होंगे? ये 10, ठीक है। 100 सेंटीमीटर कहाँ होंगे? तो ये मतलब कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 mm 1000 एमएम, मतलब 1 मीटर, 1 मीटर है ना। ये 1 इंच का है, ये 1 इंच, 5 इंच का है, ये 1 फिट का है। है 1 फिट में कितने इंच होते हैं? 10 इंच नहीं, 1 फिट में कितने इंच होते हैं? 10 के बाद 11 और 12 12 इंच, 1 फिट में 12 इंच 12 इंच, ठीक है। और आधा फिट में 6 इंच हो गया। जी आया समझ में इतना जितना जी हमने कराया है? ठीक है। जी लेवलिंग क्या होता है? लेवलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी की ऑब्जेक्ट को हाइट निकालने को हम लोग लेवलिंग में करते हैं। हाइट निकाल सकते हैं, जी और एक जगह का लेवल दूसरी जगह लेवल ट्रांसफर में करते हैं, उसे लेवलिंग करते हैं। उसे लेवलिंग कहते हैं, ठीक है। जी सर्वे क्या होता है? किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट के, पॉइंट एक एक पॉइंट के की दूसरे दूसरे पॉइंट पॉइंट के में रेफरेंस में क्या उसकी डिस्टेंस को, हाइट को सर्वे और एलिवेशन को कैलकुलेट करने को क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। करते हैं। सर्वे में एलिवेशन का क्या मतलब होता है? एलिवेशन का मतलब होता है कि हाइट, हाइट लेवल हाइट को हाइट मतलब हाइट हाइट को एलिवेशन में हाइट हाइट को होता है। कल हमने मिलाना बताया था ना, जी जहां पर भी एलिवेशन शब्द आ जाए वहां पर क्या मतलब होगा? हाइट हाइट। तो और हमने देखा था कि इसमें हमने मैराइन सर्वे पढ़ा था। जी क्या होता है मैराइन सर्वे? जैसे पानी के अंदर सर पानी के नीचे जो हम हमने सर्वे वर्क करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेन सर मैराइन सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है? पृथ्वी पर जो एस्ट्रोनॉमिकल जो अंतरिक्ष में सर्वे अंतरिक्ष होता में है। होता है। कल हमने एक चीज पढ़ा था कि टोपोग्राफिक सर्वे पढ़ा था, मालूम है इसके हो? आया कुछ समझ में टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है? नहीं, चलो नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। बट इतना जितना भी इन्होंने किया इंजीनियर्स, ये डिप्लोमा और बीटेक लेवल की हमारी पहली क्लास में पढ़ाया जाता है, और एक 12th का स्टूडेंट जब इस चीज को कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटलाइजेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकली, वो भी कम से कम टाइम में, अफोर्डेबल चार्जेस में, और एनएसडीसी स्किल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ में, तो आप हमें दिल्ली ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हैं और एक स्किल्ड सर्वेयर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसमें हम आपको घंटों प्रैक्टिस कराते हैं इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, आपके थ्योरी की जो आपकी स्किल्स है वो आपको क्लियर की जाती है, आपको प्रैक्टिकली इन इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो ऑटो लेवल हो, टोटल स्टेशन हो, डाटा ट्रांसफर हो, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और इनकी परफॉर्मेंस देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं ताकि हमारा इंजीनियर जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे अपकमिंग बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। या आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, वहां पर जाके जो है इन कोर्सेज के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आजाद, अपनी पहली क्लास से कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा सीखने को मिल रहा है? जी।
कैसा सिखाया कैसे जा रहा है, एक चीज वहां देख के बताओ कैमरे पे कैसा सिखाया जा रहा है। मुश्किल लग रहा है सीखना, नहीं कैसा लग रहा है? बहुत हल्का आसान लग रहा है ना। जी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।